तो धन्यवाद। तो जैसा कि हम अभी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में ये कार्यक्रम मना रहे हैं, और निश्चित तौर पर आज ये चर्चा बहुत जरूरी है। जिनके नाम से, जिनके काम से आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उनके बारे में मैं आज थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे उन्होंने सारी दुनिया पर प्रकाश डाला, पर उनके कृत्यों पर हम प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं, और यही प्रकाश की है ऑप्टिमेट। प्रकाश की के बारे में डॉक्टर रमन ने जो काम किया वो बिल्कुल सहज था। इसके पहले कोई दुनिया का एक भी वैज्ञानिक सोच नहीं सका। ये जो सूर्य की किरणें हैं, जो सामान्य तौर पर धरती पर पड़ रही हैं, वो किसी भी आधार पर पड़ती हैं। वो जमीन पर पड़ेगी, जल पर पड़ेगी, किसी वस्तु पर पड़ेगी, तो ये किरणें पड़ती, और कोई ट्रांसपेरेंट पारदर्शी अगर वस्तु पर जब ये पड़ती हैं, तो आगे जाके उनका जो विकिरण होता है, वह विकिरण जो है एक नए रूप में, ये रमन प्रभाव। उस समय अनेकों वैज्ञानिक थे, जॉन विलियम्स थे, मैथ्यू थे, मैक्स थे, ये ब्रिटेन के नामी गिरामी जो है फिजिशियन थे। तो इन लोगों ने जो है विज्ञान के क्षेत्र में बहुत जानकारी दी है, कई बातें बताई हैं कि जैसे आसमान नीला क्यों होता है, ये मैक्स ने बताया। तो उन दिनों महज 18 वर्ष के थे सीवी रमन, और जब आपने एक लेख लिखा तो उस लेख में आपने ध्वनि की और प्रकाश की के बारे में चर्चा करी। वो शोध जब विलियम ने, जॉन विलियम थे जो ब्रिटेन के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, जब आपने उसे पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने कहा कि ये जो है डिफरेंट ब्रिलियंसी है इस फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, और आपने उन्हें उस समय जो है प्रोफेसर कहा, जबकि वो एक एज ए स्टूडेंट थे। ये एक अद्भुत तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनमें गुण था, और आपने इस रमन प्रभाव को पूरी दुनिया के लिए बताया कि प्रकाश जो है किसी भी आधार पर जब पहुंचकर और उसके पार जाती है, तो वह अपना स्वरूप जो है बदल देती है। वह प्रकाश की जो किरणें हैं उनमें प्रसार हो जाता है, वो फैल जाती है, सीधा सा ये है। तो इस तरह से हम आज उनके इस काम के लिए एकत्रित हुए। बात आती है कि यह दिन क्यों आया, जब आपने इसमें काम किया, ये सारी जानकारी पूरी दुनिया को बताई, तो नोबेल पुरस्कार जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है किसी भी क्षेत्र में, तो वह पुरस्कार जो है वो भारत के खाते में आया, और सीवी रमन जो है इस पुरस्कार से सम्मानित हुए। ये गौरवशाली है, ये गौरवशाली हम सबके लिए, हमारे देश के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। और इस नोबल पुरस्कार को हमने 28 फरवरी 1930 में हमारे देश में आया, रमन सर के खाते में आया, तो इसलिए हम आज उनके लिए जो है हृदय से यहाँ पे सम्मान प्रेषित कर रहे हैं। और अब ये हम कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं, और इस श्रृंखला में मैं आपको बता दूं कि 13 तारीख को एक कार्यक्रम है। आप सभी से अनुरोध है कि भोपाल में माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का वहां पे व्याख्यान हो रहा है, और इस संस्था से सभी लोग वहां पहुंचने वाले हैं, और खाना, जाना, आना ये सभी निशुल्क है, संस्था की तरफ से है। तो जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं, जो भी इस कार्यक्रम में रुचि रखते हैं, वो भोपाल जा सकते हैं 13 तारीख। एक बात ये हो गई। अब चूंकि विज्ञान है, विज्ञान दिवस है, और हम सब हैं, तो हम चाह रहे हैं कि कोई एक नया कार्यक्रम हम आज इस विषय में या इस अवसर पे करेंगे। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और एक जो समाज की सबसे बड़ी विभीषिका है वो है नशाखोरी, और नशा से मनुष्य
मनुष्य तो बर्बाद हो ही रहा है, व्यक्ति बर्बाद हो रहा है, व्यक्ति से परिवार, परिवार से गांव, गांव से देश और देश से दुनिया जो है बर्बाद हो रही है। तो हम चाहेंगे कि आज हम इस महत्वपूर्ण दिवस में शपथ के माध्यम से नशा मुक्ति की बात करें। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम तो इस तरह से पोजीशन ले लें, आप शपथ लेने की पोजीशन में आप सभी लोग खड़े हो जाएं और मैं जो भी वक्तव्य यहाँ पे आप सबके सामने रख रहा हूँ आप उसे दोहराएंगे और हम इस कार्यक्रम को और सीवी रमन के लिए एक सम्मान रूप में ये अपना जो श्रद्धा है, अपनी जो मति है, गति है, वो सारी